तो अपने वीडियो के पहले भाग में देखा कि किस प्रकार से तत्वों की 1 से 20 तक तत्वों की संयोजकता होती है। अब अपन देखेंगे इन तत्वों की संयोजकता के आधार पर अपनी यौगिक कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, एक बार मैं इन्हें डिस्टिल कर रहा हूं वापिस। हाइड्रोजन की संयोजकता आपने देखी कितनी है, प्लस है। पहले मैं प्लस वाले लिख रहा हूं, उसके बाद माइनस वाले लिखेंगे, फिर आपको यौगिक बनाने दिखाता हूं कैसे बनते हैं। हाइड्रोजन के बाद में लिथियम की संयोजकता कितनी होती है, प्लस है। इसके बाद में सोडियम की भी संयोजकता कितनी आई, प्लस है। और पोटेशियम की भी संयोजकता कितनी आई, प्लस। एक बार इतने दे दो, 20 तक तत्वों में यही है जिनकी संयोजकता प्लस है। क्लियर है बात? प्लस दो कौन कौन आए थे आपने देखा, बेरिलियम की संयोजकता, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकालता है चार पे आता है, इसलिए दो प्लस दो संयोजकता हुई थी। इसके बाद में मैग्नीशियम है, वो 12 पे आता है, दो इलेक्ट्रॉन निकालता है दस जैसा होने के लिए, उसकी संयोजकता कितनी है, प्लस दो। इसके बाद में एल्यूमिनियम, इसकी संयोजकता 3 निकालता है, इसलिए कितनी संयोजकता है, प्लस 3। और एक आप क्या है, कैल्शियम Ca, 20 नंबर पे आता है, 18 जैसा होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसकी भी संयोजकता है, प्लस 2। आगे ये हो गया आपके प्लस में संयोजकता। कार्बन वाले अपन देखेंगे नहीं, एक बार प्लस 4 माइनस 4 वाले एक बार नहीं देखेंगे, एक बार ये देख लीजिए। इसके अलावा एक दो और होती है प्लस में, वो कौन सी होती है, NH4 यानी अमोनियम जो होता है, इसकी प्लस 1 संयोजकता होती है। तो 21 से 30 तक जो तत्व है उनकी भी संयोजकता आपको बताएंगे, और इसके लिए आप 2-3 मोटी मोटी याद करी लो में से ही कि कौन कौन सी होती है। जैसे धातु जितनी भी होती है उनकी संयोजकता प्लस में होती है, और प्लस में उनकी होती है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे इसके अलावा Fe यानी लोहा जो होता है, इसकी संयोजकता प्लस 2 या प्लस 3 होती है, एक तो ये आती है। कॉपर जो होता है, इसकी संयोजकता प्लस 1 और प्लस 2 दोनों होती है, एक भी आई कि मैं प्लस 1 करना या प्लस 2 करना। जिंक की संयोजकता प्लस 2 होती है, ठीक है। इसके अलावा बस Ag अर्जेंटम, इसकी संयोजकता प्लस 1 होती है। ये एक बार प्लस वाले इतने हैं, समझ गए। अब ये प्लस का मतलब ये हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उनकी संयोजकता कितनी होती है, प्लस में होती है। अब ऐसा है नहीं कि ये रोड पे खड़े होकर दे रहे हैं कि ले लो भाई हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो ये फालतू। ये किसको देंगे, जब किसी को जरूरत होगी, जब किसी को जरूरत होगी तो उसको देंगे। अब जरूरत वाले कौन है, वो माइनस में आएंगे। कौन इलेक्ट्रॉन किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब चाहिए किस आधार पर, किसके जैसा बनने के लिए, उत्कृष्ट गैसों जैसा बनने के लिए, हीलियम जैसा बनने के लिए, नियोन जैसा बनने के लिए, आर्गन 2, 10 और 18 जैसा बनने के लिए इनको बनना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और दे रहे हैं, ठीक है। माइनस वालों के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए आपने देखा सबसे पहले कौन, हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो सकता है, हीलियम जैसा बन सकता है। एक होता है जिसके पास में, एक और ले लेगा, लेगा तो माइनस में। गांव में कई ऐसे होते हैं जब जिनका कोई काम नहीं होता, जिनको लोफर बोलते हैं, आवारा बोलते हैं, वो अलग ही होते हैं। इसका कोई धनी तो भी नहीं है, घर पे जाए रोटी खाए तो खाए, ना खाए तो ना खाए, और माता पिता को घर वालों को कोई टेंशन नहीं होगी, कहीं जाओ हमारी तरफ से, वो होता आवारा। तो आवारा के बारे में पूछा जाता है कि हावर सारणी का कौन सा तत्व आवारा तत्व कहलाता है। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन अब ये प्लस और माइनस, ये इलेक्ट्रॉन ये कह रहा है कि मैं तो एक को भी नहीं रखूंगा। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे दो करने के लिए एक और चाहिए। जब वो एक और लेगा तो उसकी संयोजकता माइनस में हो जाएगी, लेने पर माइनस होगी, कितना लिया, एक। हीलियम जैसा बन गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या करता है, उल्टा काम करता है। ये क्या करता है कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी ले जाओ और ये भी निकाल देता है, इसलिए उसकी संयोजकता निकाल दिया। इसका मतलब प्लस में आएगी माइनस में, प्लस में आएगी, कितनी होगी, इसलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहा। माइनस एक होगी, इसके बाद में माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेने वाली बात, 7 से अपन चालू करेंगे। ये लो नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 7 नंबर पे आता, कितने चाहिए, 10 जैसा होने के लिए। उसके बाद में ऑक्सीजन, कितनी संयोजकता हुई,
इसमें होगी माइंड ले रहा है, यानी आठ नंबर पे कर्म याद नहीं है तो आप नहीं बता सकते। इसके बाद में फ्लोरिन कितने नंबर पे आता है, कितनी शोधिता हुई माइनस एक, ठीक है। इसके अलावा और बताइए क्लोरीन की शोधिता कितनी होती है माइनस एक। एक वर्ड है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप सामने जब आप आगे बढ़ेंगे तो इन इन तत्वों को बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलो, इन तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। फिर कल बाहर आई और एक एट्रीमियम और होता है एटीन, जैसे एक दो तीन चार पांच का एक वर्ग है, पांच तत्वों का। फिर कल बाहर आई अंटी, है ना। तो ये है, इन सारे तत्वों की संयोजकता माइनस एक होती है। तो फ्लोरीन की आ गई, क्लोरीन की आ गई, ब्रोमीन की आ गई माइनस एक और आयोडीन की आ गई माइनस एक, ठीक है। इसके अलावा सल्फर की होती है माइनस दो और फास्फोरस की होती है माइनस तीन। ये अभी आप थोड़ी देर पहले आपने निकाला था कि किस तरह से इन तत्वों की संयोजकता होती है। अब खाली दो तीन और याद करने जो परीक्षा के अंदर आते हैं। माइनस एक वाला रहता है ओ एच, इसका नाम है हाइड। ओ का मतलब ऑक्सीजन है, एच का मतलब हाइड्रोजन, दोनों मिल गए हाइड्रो ऑक्साइड, इसका नाम हो गया हाइड्रो ऑक्साइड। इसकी संयोजकता भी माइनस एक, ठीक है। फिर आता है एनओ थ्री नाइट्रेट, और इसकी संयोजकता भी माइनस एक होती है, नाइट्रेट नाम है एनओ थ्री। और दो और याद करने, एक तो होता है याद दिख रहा है क्या, सीओ थ्री, इसकी संयोजकता माइनस दो होती है, इसका नाम है कार्बोनेट। क्या नाम है? कार्बोनेट। और एक होता है सल्फेट एसओ फोर, और इसकी संयोजकता भी होती है माइनस दो। तो बच्चों ये पांच सात नाम है, बीस तक तत्व इनमें आ गए और दो तीन एक्स्ट्रा है कोई, इतने आपके याद हैं तो आप कोई भी सूत्र है वो आसानी से बना सकते हो, किसी भी यौगिक का निर्माण कर सकते हो। समझ गए बात? अब यौगिक का निर्माण कैसे होगा? तो यौगिक का निर्माण तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला किसी इलेक्ट्रॉन लेने वाले के साथ मिल जाता है, दोनों की दोस्ती होती कि भाई तू कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे है, कम दो, कम ने भी दो सही, तेरे को चाहिए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेने मेरे, और वो उसको दे दिए, देने वाला देगा लेने वाला लेगा और दोनों अपने बंध बना लेंगे, दोस्ती कर लेंगे और नए यौगिक का निर्माण हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो पहली बात तो यह है, नियम बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको लिखने हैं सूत्र। हमेशा देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला, इतना तो बता दो, देने वाला बड़ा होगा या लेने वाला, बताइए कौन होगा? देने वाला होता है ना। अब देने वाला बड़ा होता है इसलिए देने वाले को पहले लिखा जाता है, और देने वाला प्लस होता है या माइनस, यहां दिख रहा है आगे भी, देने वाला प्लस में होता है या माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन? प्लस में, यानी हमेशा पहले किसको लिखा जाता है? जिसकी संयोजकता प्लस में होती है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है। उसके बाद में किसको लिखा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है माइनस में होती, इसकी संयोजकता होती है। इतनी बात समझ में? अब अपन जो कोई भी सूत्र लिखेंगे, अब आप इनकी जोड़ी बना सकते हो क्या संयोजकता के हिसाब से, कि भाई सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये सूत्र किस किस के साथ में बना सकता है, जोड़ी किस किस के साथ में बना सकता है, किसके साथ दोस्ती कर सकता है? ये उसके साथ में करेगा जिसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए माइनस एक, जिसकी संयोजकता होगी जिसको एक चाहिए उसी को तो बेचारे दे देगा, सोडियम के पास देंगे, कोई दो लेने वाला आ जाए कहां से देगा, नहीं देगा ना। तो देखिए दो लेने वाला आ गया इसलिए एक सोडियम तो एक देगा, इसलिए उसे देने के लिए कितने सोडियम आने पड़ेंगे, दो सोडियम लाने पड़ेंगे, है ना। तब जाके उसकी दो लड़ुओं की भूख मिटेगी, दो इलेक्ट्रॉन दिए जा सके। देखिए कोई भी ले लिया अपन ने, यहां देखो सूत्र का निर्माण कैसे करते, निर्माण करते समय कोई यौगिक बनाते समय आपको नाम दिया जाएगा,
कि उसका आपको सूत्र लिखना है। जैसे आपको नाम दे दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम और इधर क्लोराइड भाई इसमें, तो कैसे लिखोगे? देखिए सोडियम का प्रतीक यहां लिख दिया और क्लोरीन का प्रतीक आगे लिख दिया क्लोराइड। जब इनका सूत्रों से जब नाम लिखा जाता है तो नाम में ईन या आयन जो भी नाम होता है वो हट जाता है और एक नाम जुड़ जाता है आयन। आयन ऑक्सीजन था अन, ऑक्सीजन अन हट गया और बन गया आयड, लग गया ऑक्साइड। क्लोरीन इन था, इन हट गया और नाम बन गया क्लोराइड। समझ में आई बात? फ्लोरीन है, इन हट गया बन गया फ्लोराइड। इसी प्रकार से ब्रोमीन है तो बन गया ब्रोमाइड। ऑक्स हाइड्रोजन और ऑक्साइड है तो इसका नाम बन गया हाइड्रो ऑक्साइड। इसी तरीके से ये है नाइट्राइड, बस ये सल्फाइड। समझ में आ गई बात? ये आपको बोलने हैं इस तरीके से आपको नाम लिखा जाता है। अब ये जैसे सोडियम और क्लोराइड का पूछा तो आपने उन दोनों का प्रतीक लिख दिया, ये तो लो सोडियम ये ले लिया क्लोरो। अब इनकी संयोजकता आपके याद है वो उनके नीचे लिख दो। इसकी संयोजकता प्लस, हमें ये तो तय बात है कि जो पहले आ रहा है उसकी संयोजकता प्लस में ही होगी, प्लस वाला पहले लिखा जाता है माइनस वाला। सोडियम की संयोजकता यहां आपने लिस्ट में से देखा कि कितनी है, प्लस एक। क्लोरीन में आपने देखा क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, माइनस एक। ऐसे आप नीचे लिख सकते हो। नीचे लिखने के बाद आपको ऐसे करना है, जब हाथ मिलाते हैं ना, मिलाते हैं तो एक दूसरे के क्रॉस हाथ नहीं आते हैं क्या? मेरा इस साइड से आ रहा है उसका उस साइड से आएगा, तब मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब क्रॉस मिलते हैं तो ये हाथ निकाला इसने तो इसने ये निकाल दिया, यानी एक दूसरे के क्रॉस हाथ निकाले। आपको यहां वज्र गुणा जैसा निशान लगाना है। क्या क्यों यहां बाद में बराबर क्यों लगाना है वो बताते हैं आपको। अब बराबर का निशान लगाइए, ये निशान ये तीर का निशान ये कह रहा है कि भाई बराबर में जब आप सूत्र लिखना चालू करो, ये जो गैप है गैप आपको पूरा भरना है, गैप नहीं लिखना। सूत्र लिखते समय इतना लिखने के बाद सोडियम लिख दिया आपने, ये रहा एन, अब यहां गैप नहीं लिखेंगे। ये तीर का निशान कह रहा है कि सोडियम के नीचे एक लगाओ ये वाला। अब यहां नीचे जब लिखेंगे तो सूत्र लिखेंगे तब ये प्लस माइनस के संकेत नहीं आएंगे, ये हट जाते हैं। और जब दोनों तरफ प्लस और माइनस की संख्या बराबर भी होती है, जैसे यहां प्लस दो या माइनस दो होगा तो वो आपस में कट जाते हैं। और एक और है, एक जो होता है वो लिखा नहीं जाता, यहां इसके नीचे एक लिख दूंगा इसका मतलब ये है कि सोडियम कितना है, एक। और नहीं लिखूंगा तो भी बताओ सोडियम कितना है, एक है। इसलिए मैं सोडियम के नीचे एक नहीं लिखूंगा यहां। अब नहीं लिखा मैं किसको लिखूं, माइनस वाले को क्लोरीन के लिए सीएल। सीएल के नीचे तीर का निशान क्या कह रहा है, कितने लगाऊं, एक। और एक लगाऊंगा तो भी क्लोरीन एक है, नहीं लगाऊंगा तो भी क्लोरीन एक। ये सूत्र बन गया मेरे एन ए सी एल। अब इसका नाम बताना है क्या है, पहले इसका तो प्लस वाले का तो पूरा नाम यू का यू बोलना है, जो जिस प्रकार से तत्व होता है सोडियम बोल दिया, और क्लोरीन इन का हटा के क्या लगाते हैं आयड, क्या बन गया सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई? ऐसे तत्व बना दे कोई जोर आया क्या, और बना लेते हैं अपने क्या, मैग्नीशियम ये रहा और ये रहा ऑक्सीजन, एक तो मैग्नीशियम है और एक क्या है मैग्नीशियम। कितने इलेक्ट्रॉन देता है नीचे संयोजकता प्लस में आएगी, पहली बात है दो, कहां है ये रहा। अब आपको मुक्त जबानी कैसे, पहले तो संयोजकता पता होगी तभी आप सूत्र बना सकते हो। ऑक्सीजन आठ नंबर पे आता है, दस जैसा होने के लिए कितने चाहिए दो, किसमें होती है माइनस, वो ये वज्र गुणा किया आपने, ये लो ये हाथ मिला है। मैग्नीशियम के नीचे भाई ये दो लिखने हैं, कितने लिखने हैं दो। और लेकिन यहां आप देख रहे हो कि प्लस के दो और माइनस के दो हैं, यदि बराबर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे से कट जाते। अब कुछ नहीं लिखना तो क्या लिखना, सीधा कैसे थे एम जी के बाद में क्या लिख दो, ये गैप था ये बन दिया एम जी, ये सूत्र बन गया।
दोनों जोड़ी तभी तो बनेगी। अब अपन कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन देता है वो लेता है, किससे देगा? वो जब साथ आएगा तभी तो देगा या लेगा, कोई तो साथ चाहिए, लेना है तो उसे कोई देने वाला चाहिए, और कोई दे रहा है तो उसे कोई लेने वाला चाहिए। यहाँ दोनों काम हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो देते ही बारह पे आता है दस जैसा हो जाएगा, ये आठ पे आ रहा है ये दो लेते ही दस जैसा, ये भी स्थाई ये दोनों ने दो से यहाँ कर। नाम क्या होगा? मैग्नीशियम का तो ऐसा कैसे लिखेंगे, क्या हो गया मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा ऑक्साइड, क्या नाम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सूत्र बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और बना लेते हैं जल्दी, तो आना तो अब जैसे बना लिया मैंने मैग्नीशियम है और इसके साथ में क्लोरीन आ गया। अब आपको पता है क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक ही लेता, कितने लेगा एक ही लेता है, भाई 17 पे आता 18 जैसा होने के लिए एक चाहिए इसको, और मैग्नीशियम 12 पे आता है ये कितने देता है, कितने देता है क्लोरीन, कितने लेता है। अब इनकी भी जोड़ी बनेगी, अब यहां थोड़ा सा क्या होगा, क्या होगा चलो देखते हैं क्या होगा। मैग्नीशियम आप देखोगे आपके खुद भी समझ में, मैग्नीशियम से यहां तीर का निशान लगाया, क्लोरीन से यहां लगाया, ये क्या कह रहा है कि भाई जब भी आप बराबर लगा के सूत्र लिखना चालू करोगे दोनों से मिला के, तो मैग्नीशियम लिखने के बाद में इसके नीचे क्या लगाना है, एक लिखना, ये तीर का निशान यही तो कह रहा है, एक लगाओ से मत लगाओ तो भी मैग्नीशियम, एक ही हर लगाओगे तो भी मैग्नीशियम, तो क्या लगा एक ही नहीं लगाए, फिर क्या लिखूं क्लोरीन, ये तीर का निशान क्या कह रहा है क्लोरीन से है, कहां जा रहा है दो के पास में जा रहा है, क्या कह रहा है कि भाई मेरे नीचे क्या लगाओ, सूत्र क्या बन गया, दुनिया में ये सूत्र होता है। अब कोई कहे मैग्नीशियम, अब नाम बताओ इसका क्या हो गया, Mg का मतलब Cl का मतलब क्लोरीन, जब नाम दोनों का साथ लिख रहे हैं तो क्लोरीन से क्या बन जाएगा क्लोराइड, क्या नाम क्या बन गया मिला के मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपसे कोई कहे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखो, तो आप ऐसा कोई नहीं लिख सकते MgCl लिख दिया आपने, ये ऐसे सूत्र सब गलत होते हैं, सूत्र हमेशा जिसकी जितनी संयोजकता होती है वो एक दूसरे के नीचे सेट करनी है, सूत्र आप अपने आप बता दोगे इस यौगिक का, बात समझ में आ गई, एक दूसरे के नीचे इस क्लोरीन की संयोजकता एक ही, वो इसके नीचे लगाने की जरूरत है नहीं, एक को लिखने की जरूरत नहीं, लिख देंगे तो भी सही है, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक लिखेंगे तो उससे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं सुंदर नहीं लिखता, इसलिए अपन लिखते नहीं है। इसे क्लोरीन के नीचे दूसरे की संयोजकता लगा दी, मैग्नीशियम की इसके नीचे लगा दी, तो बन गया Cl2, यह सूत्र बन गया। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या, वो देखिए अब अपन उस हिसाब से बात करते हैं, मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन कितने लेता है, अब कोई धन जाके दो लड्डू दे, एक आदमी की कैपेसिटी एक ही लड्डू लेने की है, लेने की एक, यानी क्लोरीन की कैपेसिटी क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये बताओ लेकिन वो देने वाला कितना है, तो कहिया तो मैं तेरे को दूंगा ही नहीं, मैग्नीशियम कह रहा मैं अकेले को तेरे को दूंगा नहीं, अकेले को देता तो ये सूत्र बनता, दुनिया में ये सूत्र संभव नहीं, अकेले को मैं तेरे को दूंगा नहीं, तो मैं क्या करूं, तो कह एक लड्डू और लेने वाला साथ में, तो दो क्लोरीन आते हैं कि भाई एक मेरे को दे दे एक इसको दे दे, अब तो ठीक है, इसलिए यहाँ मैग्नीशियम तो एक है, क्लोरीन कितने हैं, ये बात भी क्लियर होगी क्या, क्लोरीन दो जो हुई, एक तो संयोजकता के आधार पर आपने देख लिया ऐसे हुए, दूसरा आप ऐसे भी इसका कांटा मिला सकते हो कि भाई क्लोरीन दो क्यों है, मैग्नीशियम एक क्यों है, मैग्नीशियम एक इसलिए है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक लेता है, इसलिए कितने क्लोरीन आएंगे, दो क्लोरीन आएंगे जो मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इससे दो ले लेंगे, इसलिए Cl। एक आधा एग्जाम्पल और बता देता हूं, वो देख लीजिए, जैसे आप ऑक्सीजन का ले रहा हूं, सोडियम तो है इधर प्लस में, ऑक्सीजन है माइनस में, ऑक्सीजन तो आठ का आता दो इलेक्ट्रॉन लेता है, माइनस दो से होती है, और
सोडियम 11 पे आता है बेचारा एक ही देने वाला है। अब ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या सूत्र बनाओगे? ये अब की बार एलडीसी में एग्जाम में प्रश्न आया है कि सोडियम और ऑक्सीजन से मिलकर के कौन सा जो यौगिक है वो बनता है। ऐसे चार ऑप्शन आए थे, देखना अभी आपको बताता हूँ कैसे बनता है। सोडियम के नीचे प्लस एक, ऑक्सीजन के नीचे माइनस दो, क्योंकि संयोजकता दो होती है, आठ नंबर पे आता है, दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए और ये ऑक्सीजन की संयोजकता माइनस दो। सोडियम की संयोजकता प्लस एक, ये एक देने वाला है, ये दो देने वाला है। तो ये पहले तो अपना तरीका देख लो, तीर का निशान से सूत्र क्या बनेगा, ये इसके नीचे लगाया, ये इसके नीचे लगाया, बराबर लगा के अभी बोलना ड्रैग करके क्या सूत्र लिखो, एन ए नीचे क्या लिखो, अब क्या लिखो नीचे क्या लिखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यानी एक लिखो या चाहिए। ये प्रश्न है, यह होता है सोडियम और ऑक्सीजन का ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ। हाँ तो इसका नाम बताइए, अब नाम क्या हो गया, सीधा सीधा इसके लिए क्या बोलेंगे, सोडियम, और ये क्या हो गया ऑक्साइड, नाम क्या हो गया सोडियम ऑक्साइड। एनडीसी में क्वेश्चन आया था ये कि सोडियम ऑक्साइड का सही क्या सूत्र बनेगा, क्या यौगिक होगा सही, ऐसे ऐसे आया था NaO2 NaO है ना N2O और ऐसे कोई एक और आया था। तो अब आप ही बता सकते हैं, बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या कौन सा बनेगा सोडियम और ऑक्सीजन से, सूत्र कौन सा चाहिए, नहीं बता सकते ना? तो बताओ तो सही, Na2O ये बना, Na2O बात समझ में आ गई, कैसे बना ये आपने देख लिया सुनिश्चित। अब इसको अपने तरीके से और काटा और मिलाते हैं इसमें कि भाई सोडियम के नीचे कितने आए, क्यों आए, कि सोडियम ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन है, कितने देता है, कितने इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन लेता है दो, सोडियम कितने देता है एक, इसलिए कितने सोडियम मिलकर के इसको दो इलेक्ट्रॉन देंगे, सोडियम इसलिए दो हो गए और ऑक्सीजन एक हो गया, क्लियर है बात जी। अब एक सूत्र और देख लो, एल्यूमिनियम है और क्लोरीन, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है प्लस तीन, क्लोरीन की ये हमेशा भूलना नहीं है, हर बार संयोजकता बदलती नहीं है, ठीक है 17 नंबर पे आता है तो 1 80 18 बार बार थोड़ी होगी, वो हर जगह कोई संयोजकता बदल थोड़ी रही है, वो क्यों रही, वही करना काम, तीर का निशान इधर और इधर, क्या कह रहा है एल्यूमिनियम के नीचे एक लिखो, नहीं लिखेंगे कोई जरूरत नहीं है, क्लोरीन के नीचे तीन लिखो, ये लिख दिए, सूत्र बन गया, नाम क्या हो गया इसका एल्यूमिनियम और इसका क्या हो गया क्लोराइड, क्या नाम हो गया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की तीन इलेक्ट्रॉन देता है प्लस तीन है, और क्लोरीन एक, क्लोरीन कितने लेता है एक, प्लस एक माइनस एक ही तो होती है, एक क्लोरीन एक ही लेता है, इसलिए तीन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने क्लोरीन आ गए, इसलिए क्लोरीन के नीचे तीन आ गए, ये कांटा भी मिल गया। ओके इसी तरीके से इनका और ले लेते हैं, कैल्शियम है, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, और कार्बोनेट है, ये रहा CO3 कार्बोनेट, संयोजकता कितनी होती है माइनस दो, और ये रहा कैल्शियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है, ये लिख दी इसके नीचे प्लस दो, इसके नीचे लिख दी माइनस दो, और याद रखना जब दोनों बराबर बराबर होती है संयोजकता तो एक दूसरे से, सूत्र क्या हो गया CaCl3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है CaCl3, बात समझ में आ गई, कैल्शियम कार्बोनेट यही होता है, संगमरमर का भी यही सूत्र होता है, संगमरमर का पत्थर आता है कैल्शियम कार्बोनेट उसका भी यही सूत्र होता है। ओके अगला सूत्र देख लेते हैं, एक और देख लो OH से और देख लेता हूँ, यही भी बना लेता हूँ, जैसे कॉपर को ले लेते हैं, ये रहा कॉपर यानी तांबा, और कॉपर के साथ में अपने को लगाना है क्लोरीन, और कॉपर को अपन प्लस एक ले दे, ठीक है,
तो कॉपर की शोधिता प्लस एक इसकी सॉरी प्लस टू भी ले रहे हैं इसको, कॉपर की शोधिता प्लस दो और क्लोरीन की शोधिता माइनस एक, सूत्र क्या बन गया आप जल्दी सी बोल दो बिना देखें, ये किसका हो गया कॉपर क्लोराइड का, किसका हो गया कॉपर क्लोराइड का सूत्र हो गया। ऐसे कॉपर दो इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन एक लेता है, कितने क्लोरीन को आना पड़ेगा दो, तो एक एक ले लेंगे दोनों ही, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन ले लें, क्लियर। इसके अलावा एक सूत्र और देख लो, अर्जेंटम चांदी, यहाँ एजी दिखाता मैंने कहीं पे, ये रहा एजी, ये होता है चांदी, अर्जेंटम बोलते हैं इसको, सिल्वर। तो एजी के साथ में जब क्या बनाए, ये दो तीन सूत्र आपको दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। एजी के साथ में जब बीआर ब्रोमीन मिल जाता है तो एजी की संयोजकता कितनी है चांदी की सिल्वर की प्लस एक कितनी है क्या, और ब्रोमीन की कितनी है बीआर की, क्या सूत्र बन गया, ये भी दोनों बराबर बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक देगा, क्या सूत्र बन गया, क्या नाम हो गया सिल्वर ब्रोमीन का, क्या होगा ब्रोमाइड, क्या नाम हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यदि सिल्वर के साथ में, हाँ यहां एजी बी आर यानी सिल्वर, एजी यानी सिल्वर चांदी और बी आर का मतलब ब्रोमाइड, यहां प्रश्न आता है फोटोग्राफी में किस यौगिक को काम में लिया जाता है, फोटोग्राफी में पहले नेगेटिव फोटो आती है ना, आजकल तो नहीं आती, नेगेटिव फोटो आती थी उसको धोते थे है ना, और उसके बाद में अच्छी फोटो निकल के आती थी वो अपने को देते थे नेगेटिव के साथ देते थे। तो एजीबीआर का उपयोग किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया कॉम्पिटिशन में, फोटोग्राफी में किसको काम में लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। और एजी के साथ में यदि नाइट्रेट में लगा दो एनओ थ्री, ये रहा माइनस वाला एनओ थ्री, संयोजकता कितनी होती है माइनस ए, एजी की कितनी प्लस, सूत्र क्या बन गया प्लस एक और माइनस एक, कोई जरूरत नहीं है एजी एनओ थ्री, एजी नाम क्या हो गया, ये नाइट्रेट है, एनओ थ्री का नाम क्या है नाइट्रेट, एजी का क्या नाम है, क्या नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट जब आप चुनाव में वोट देने जाते हो, आप तो नहीं जाते दूसरे लोग जाते हैं, हम जाते हैं वोट देने के लिए, तो एक शाही लगाई जाती है और वो शाही जल्दी से उतरती नहीं है और महीने 15-20 दिन वो लगी हुई रहती है, इसलिए उस शाही का नाम है बच्चों एमिट शाही, क्या नाम है एमिट शाही, और एमिट शाही का उपयोग कहां किया जाता है ये भी बहुत बार प्रश्न आया है, एमिट शाही में किसका उपयोग करते हैं तो आप बताओगे सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का उपयोग एमिट शाही बनाने में किया। इस तरीके से आप किसी भी तत्व के प्लस और किसी भी तत्व वाला माइनस दोनों को जोड़ करके कोई भी दुनिया में सूत्र बना सकते हो। अब आपसे कोई नाम बोल करके सूत्र लिखवाए तो आप क्या लिख सकते हो, एक खाली एक और उदाहरण देख लीजिए लास्ट, जिसमें आपको नाम बोलूंगा और आपको उसका सूत्र बताना है, या फिर मैं सूत्र लिखूंगा और आपको नाम बताना है, ये लो सूत्र लिख रहा हूं मैंने, लिख दिया MgCO3, क्या नाम है Mg का मतलब, CO3 का मतलब, CO3 का मतलब कार्बोनेट, क्या नाम बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब अपन चेक करते हैं क्या ये सूत्र मैग्नीशियम कार्बोनेट का यही सही है या मैग्नीशियम कार्बोनेट का Mg2CO3 ये सही है या मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र MgCO3 ये सही है, कौन सा सही है चेक करेंगे। तो पता है मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी, कितने नंबर पे आता है, कितनी संयोजकता प्लस, कार्बोनेट की अभिसंयोजकता बताइए कितनी माइनस, क्या बन गया सूत्र MgCO3। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के तत्व जो है
उनके से मिलाकर के यौगिक बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगला वीडियो बाकी।